ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मंदी का असर साफ साफ देखने को मिल रहा है घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की बिक्री लगातार 12 महीने भी घट गई सितंबर में कुल बिक्री तेवीस दशमलव साठ प्रतिशत घट कर दो लाख तेईस हजार तीन सौ सत्रह यूनिट रह गई जबकि पिछले साल इसी महीने दो लाख बानु हजार छह सौ साठ यात्री वाहनों की बिक्री हुई थी वाहन कंपनियों के संगठन सियाम की तरफ से शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि सितंबर लगातार ग्यारहवा महीना रहा जब यात्री वाहनों की बिक्री में गिरावट आई है सियाम के आंकड़ों के अनुसार सितंबर में घरेलू बाजार में कारों की बिक्री 33.40 प्रतिशत घटी सितंबर 2018 में एक लाख सत्तानवे हजार एक कारों की बिक्री हुई थी जबकि इस साल सितम्बर में कुल एक लाख इकतीस हजार ही बिकी तेविस प्रतिशत कम बिकी बाइक जी हाँ सितंबर में मोटरसाइकिलों की बिक्री पिछले साल की तेरह लाख साठ हजार चार सौ तो पंद्रह यूनिट के मुकाबले तेईस पॉइंट उन्तीसदी घट कर दस लाख तिरालीस हजार छह सौ चौबीस यूनिट रहे इस दौरान सभी प्रकार के दो पहिया वाहनों की कुल बिक्री बाईस पॉइंट जीरो नौ प्रतिशत घटकर सोलह लाख छप्पन हजार सात तो सौ चौहत्तर यूनिट रही पिछले साल सितम्बर में इक्कीस लाख छब्बीस हजार चार सौ दो पहिया वाहनों की बिक्री हुई थी सीएम का यह भी कहना है कि सितंबर में कमर्शियल वाहनों की बिक्री तो उनचालीस सिक्स प्रतिशत घटकर अट्ठावन हजार चार सौ उन्नीस यूनिट रह गई, जबकि पिछले सितंबर में कुल पचानवे हजार आठ सौ सत्तर व्यावसायिक वाहनों की बिक्री हुई थी जाहिर है की ऑटोमोबाइल सेक्टर गंभीर मंदी के दौर से गुजर रहा है और ये जो सितंबर के आंकड़े आए हैं ये इसी बात की पुष्टि करते हैं सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स